सबको सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो आप इंजॉय करिए कि ये क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं सरोजनी मार्केट में। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो नया दिन, नई शुरुआत, तो सबको सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। एक्चुअली रात को 2 से 3 बज गए थे, मैं बहुत लेट सोया यार एडिटिंग करके, तो मेरी नींद ही नहीं खुली, तो मैं आराम से सोया और उठा, और उठते ही मुझे ये पता चला कि शालू, दिव्या और उसके फ्रेंड किमी, वो तीनों का ऑलरेडी प्लान बन चुका था मार्केट जाने का। मुझे पता नहीं, बट यही सुनने में आ रहा था मुझे सरोजनी मार्केट जो लड़कियों के लिए एक वरदान है, तो वो लोग वहाँ निकल गए हैं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमारी जो एडोरा है, एडोरा का मैं ब्रेकफास्ट अभी लगा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग कर दे मेरे बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ना अभी थोड़ा सा लेजी है क्योंकि इसको खाना देने वाला हूँ मैं, तो भाई मैं इसका खाना देता हूँ, लेट हो जाएगी तो मुझसे भी गुस्सा हो जाएगी। तब तक आप हमारे जो प्रीवियस व्लॉग है मैंने पोस्ट किया था, विंटर स्ट्रीट फूड मार्केट इंद्रपुरम, बहुत ही लाजवाब मार्केट है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। वीडियो को एंड तक देखना, एंजॉय करना, और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ करिए यार, आपका प्यार चाहिए हमें। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएगा। तो आप इंजॉय करिए कि ये क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं सरोजनी मार्केट में। तब तक मैं यहाँ पे इसको खाना देता हूँ और कुछ काम कर देता हूँ, ठीक है? हमारी कैब आ चुकी है और बाय चांस आर वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आज हम आपको लेके चलने वाले हैं सरोजनी नगर मार्केट। और आप लोग वैसे गए भी होंगे, बट आज मैं आपको लेके जा रही हूँ और मेरे साथ जा रही है किमी और दिव्या। तो हम पहुंच चुके हैं मार्केट, और मार्केट में एंटर करते ही ना यार इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है और कंफ्यूजन भी हो जाती है कि करना क्या है और कहां से शुरुआत करनी है। ये देखो, ये लोग तो स्टार्ट भी हो गए हैं, एंड सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कलेक्शन आया हुआ है, बिकॉज जो समर कलेक्शन है वो आउट हो रहा है, और बताऊं तो विंटर कलेक्शन भी आ चुका है, बट उनको देख के अभी ना गर्मी हो रही थी, तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना समर कलेक्शन है वो ही ले लो आप लोग, क्योंकि विंटर में तो और भी कलेक्शन आएगा, और उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी विद शॉप नंबर, और मेरे साथ तब आदि भी जाएंगे, बिकॉज वो हमेशा बोलते रहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं लेती, मेरे लिए कुछ नहीं लेती, बट लड़कों के लिए भी वहाँ पर है, तो उनको भी लेके साथ में जाएंगे और पूरा वीडियो बनाएंगे। तो यार फेस्टिव डेज भी आने वाले हैं, तो इतना अच्छा इंडियन कलेक्शन आया हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था, 350, 450 और 250 में तो आपको पूरा सेट ही मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा था। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे पेंस देखने, ये देखो आप प्राइस 150 रुपीज़ का है, इसका जो फैब्रिक था बहुत ही अच्छा था यार, 150 रुपीज़ में आई डोंट थिंक सो कि बैड डील है, तो आप जल्दी से जाइए और ये सारी चीज़ें ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज ये जो कलेक्शन आया हुआ है ये 1-2 महीने तो वैसे रहेगा, बट अभी जो कलेक्शन है बहुत फ्रेश है, तो आप जाके ले सकते हो। और ये देखो 50 रुपीज़ में जो है शॉर्ट्स मिल रही है, घर भी पहन सकते हो और इसको आप किसी के साथ पेयर कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस बार पैंट्स का कलेक्शन देखने को मिला है मुझे, और 50 रुपीज़ में जो है टॉप्स भी मिल रहे थे। एंड यार जो इंस्टाग्राम के पेजेस पे जो टॉप आप देखते हो ना वो भी यहाँ पे मिल रहे थे, आई कांट बिलीव कि हम इतने महंगे टॉप वहाँ देखते हैं और यहाँ पर जो है वो 150, 200 और 250 रुपीज़ में मिल रहे थे। एंड ये जो टी शर्ट्स देख रहे हो ना आप बहुत ही क्यूट थी, और ये जो ब्रांड्स थे ना यहाँ पे डिज्नी के और H&M के थे, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक था यार, मतलब बहुत ही अच्छी डील है अगर आपको इतनी ब्रांडेड टी शर्ट इतनी अफोर्डेबल में मिल जाए तो। एंड उसके बाद हम लोग स्लीपर्स देखने लग गए थे, एंड जो फुटवेयर की कलेक्शन है यार बहुत अच्छी आई हुई थी, एंड बाय चांस मुझे एक फुटवेयर बहुत अच्छी लग गई थी, बट उसमें मेरा साइज़ ही नहीं था, बट मैं वो ज़रूर लेने वापस जाऊँगी, इसी बहाने यार शॉपिंग का फिर से मौका मिल जाएगा। और ये देखो आप बैग्स की कलेक्शन कितनी अच्छी आई हुई है, कितने क्यूट बैग्स हैं, आई मस्ट से इतने अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको ये बैग्स मिल रहे हैं तो ज़रूर लेना चाहिए। एंड ये जो चेन्स आप देख रहे हो ना भैया जो है ना 40 रुपीज़ में देने को तैयार हो गए थे, तो हमने जो है 3-4 चेन्स भी ली, एंड उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा घर का सामान भी लिया, अदरवाइज भाई घर जाके बहुत डांट पड़ने वाली थी। और इन दोनों को देखो, इनकी शॉपिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, ये कह रहे थे भैया अभी तो और शॉपिंग करनी है, तो वापस चलते हैं और कुछ एसेसरीज़ लेते हैं।
एंड उसके बाद हम लोगों ने ये क्लिप्स ली एंड अडोरा के लिए भी हमने छोटी छोटी सी क्लिप्स ली है और भैया जो है ना उसे 15 रुपये में देने को तैयार हो गए थे। वैसे 30 रुपीज़ इसका प्राइस था और आपकी जो बार्गेनिंग स्किल्स है ना वही यहाँ पर काम आती है। और फिर हमने उसके बाद नेल पेंट्स भी लिए और ये जो नेल पेंट्स थी ये 50 रुपीज़ में 3 मिल रही थी, अच्छी प्राइस है यार। और उसके बाद हमने अडोरा के लिए क्यूट से टॉयज लिए एंड सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। एंड उसके बाद हम लोग ये की रिंग्स देखने लगे एंड ये जो की रिंग्स थी ना यार 50 रुपीज़ की थी और ये यूनिकॉर्न वाली तो मेरा मन आ गया था बट मैंने ली नहीं। और ये देखो बॉटल्स वाली की रिंग्स भी मिल रही है और बहुत ही सही है यार 50 रुपीज़ में, और क्या चाहिए आपको। एंड उसके बाद हम कुछ एंटीक्स देखने लगे क्योंकि भाई दिवाली आ रही है, मैंने आपको बताया ही, तो उसके लिए यहाँ पर एंटीक्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। एंड यार इसके ऊपर ना मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी, जो दिवाली शॉपिंग व्लॉग होगा ना वो पूरा डलने वाला है, तो आप लोग ज़रूर जो है ना चैनल पर बने रहो और सारी वीडियोस को जरूर लाइक करना। तो फिर हमने की थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग घर के लिए, भाई ये भी तो मैंडेटरी है ना, एंड बहुत ही अफोर्डेबल था ये भी। एंड उसके बाद हम लोगों को चुस्की दिख गई थी यार, तो ये कैसे हम छोड़ सकते, तो हम लोगों ने चुस्की ली और मैंने जो है ना काला खट्टा वाला लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। को सब खाना है, भेलपूरी, पुदीना का पानी, चुस्की मिल जाए तो ये तो मस्त है। यहाँ पे चुस्की, मोमो सब खा लिए इन्होंने, 5 घंटे में 5 चीजें खा गए। हम सोचे भी घर जाके भी कुछ खाएंगे, इतनी सारी शॉपिंग की है तो भूख लगेगी। एक मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं भी घर जाके खाऊंगी, पहले इनको देख लो यार। हम लोग ये एंजॉय कर रहे हैं। तो अब चलते हैं घर, बहुत सारी शॉपिंग कर ली और मुझे वेट है अडोरा का रिएक्शन देखने का क्योंकि मैं उसके लिए इतने सारे टॉयज लेकर जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली 2 से 3 घंटे बाद ये सरोजनी नगर से वापस आए हैं और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है इन्होंने सरोजनी नगर मार्केट पूरी ही लूट ली है। तो आप जरा इनको देखिए जरा एक बार, भाई ये क्या क्या उठा के ले आए, पहले तो मुझे ये बताओ। आज हमें जो कुछ लेके आए ये देख लो यार, बहुत ही कुछ। और मुझे ये बताओ कि इसके लिए कुछ लेके आए हो? इसके लिए तुम्हारे स्टोरेज हैं। ये आप देख रहे हो, वैसे ये मेरे को तो लग रहा है 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की शॉपिंग तो हो गई होगी। नहीं आज हमने, आज मैंने बहुत अच्छी बार्गेनिंग की, बजट शॉपिंग की है हमने, तो मतलब बार्गेनिंग करी है। आई हैव शोन सम ऑफ माय स्किल्स। तो भाई बार्गेनिंग करना भी सीख गए हैं और कर आए, करने के बाद भी इतनी सारी चीजें लेके आए, आप काउंट नहीं कर सकते। बताएंगे हमने कैसे शॉपिंग। तो तुमने खाना कुछ खाया भी तो होगा? भूख लगी है, बहुत लग रही है। आप जाके कुछ ले आओ हमारे लिए। चलो क्या लेकर आऊं कुछ बताओ। गार्लिक नूडल्स, अच्छा, चिकन फ्राइड राइस, ठीक है, स्प्रिंग रोल, ठीक है। और ये सारी जितनी भी शॉपिंग है ना हम आप लोगों को कल दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं इनके लिए यार कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। बहुत स्ट्रगल करके आई है, कितनी मेहनत करके आई है, इनकी शक्लें देख सकते हैं आप। ये सबसे बड़ी मेहनत है लड़कियों की। मैंने तो पहले आपको कहा था कि ये जो आज जा रही है सरोजनी नगर वरदान है लड़कियों के लिए, ये देख रहे हो आप साथ, ठीक है। तो फटाफट से आप जाओ, लेकर आता हूँ यार, मेहनत करके आई, अच्छा लगता है, चलते। और अडोरा के लिए टॉय भी आया जो की वो अभी बहुत एक्साइटेड है। भाई कुछ मिला नहीं चाइनीज शॉप से, तो समोसों से ही काम चला रहे हैं। घर बन रही है चाय, तो गर्मा गर्म समोसा ले सकते हैं। तो गाइस समोसा पार्टी हो चुकी है, सबके टमी टाइट हो चुके हैं। डिनर का मुझे अभी कुछ नहीं पता, उससे पहले शालू को देखते हैं क्योंकि शालू पहले ही अरेंजमेंट करने में लग गए कि सामान को कैसे कहाँ रखना है। यार मुझे ये बताइए, आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट वो कभी बंद तो होने नहीं वाली, आप दोबारा जाके भी ले सकते हैं। इन्होंने इतना सामान ले लिया है, इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखो आप देख रहे हो यार, क्या देख रहे हो? तो यार ये जो सामान है ये दिखाई दो हमारे पूरी फैमिली को। ऐसा कुछ उसे लिया नहीं है, पर दिखाऊं? हाँ दिखाओ, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखा दो, दिखा दो। हाँ तो ये दिखना चाहिए ना। मेरा अकेले का नहीं है, दिव्या का भी है, किम्मी तो घर चली गई है क्योंकि अच्छा। बहुत लेट हो गया था नाइट, बिल्कुल बिल्कुल वो लेट तो हो गया, घर चली गई है, तो हमारा ही सामान है ये। हाँ तो ये दिखाओ दिखाओ, इधर आओ, इसके टॉयज तो दिखा दो सबसे पहले। क्या बात है, क्या बात है, अब ये नए टॉयज के साथ एंजॉय कर रही थी। और पहली बात तो ये है ना, अट्रैक्ट सबसे ज्यादा इन्हीं टॉयज को दिखाती हूं। अडोरा के लिए टॉयज जो लेकर आए हैं, ये फ्रॉगी लेकर आए हैं और इसको ये बहुत पसंद आ रहा है। पुराने टॉयज को तो भूल ही गई होगी, वहाँ पे वैसे ना बहुत अच्छे टॉयज वगैरह थे। ये देखो ये ना तो वैसे रिवर्स हो जाता है, ये देखो, ये आपके मूड पे डिपेंड है। यस, मैंने स्पेशली लिया, अब जब मूड खराब होगा तो मैं इसको चेंज कर लूंगा। और एक ये क्या, वैसे ये अडोरा के लिए, और एक ये तो बहुत ये ही क्यूट कलरफुल स्नेल। यस, क्या इनको ये छोड़ने नहीं वाली, इनको ये छोड़ने नहीं वाली, इनका ऐसा हाल करने वाली जैसे बिल्ली मौसी का किया है। नीचे चली जा, कुछ क्लोथ्स लिए हैं मैंने सबसे ज्यादा, वैसे हमने ना लोअर और ये सब टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह हमने ज्यादा लिए। अरे मेरे लिए भी कुछ गरीब के लिए ले लेते यार, पता है
जिसको शॉपिंग करनी होती है उसे खुद जाना होता है। जाएंगे दोबारा एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे क्योंकि जो फ्रेश अराइवल्स होगा ना। घर का भी सामान लिया है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। कप लिए हैं तो ये कुछ एंटीक्स ली थी मैंने हैंगिंग के लिए और ये कुछ क्रॉकरी वगैरह है किचन के लिए और ये मैट और ये हमारी प्यारी सी अडोरा के लिए क्लिप्स क्योंकि इसके हेयर बहुत ग्रो हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यही सारा सामान हमने लिया था तो मैं आदि को यही कह रही थी कहाँ गए आप। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आपको भी चाहिए कुछ तो आपको चलना पड़ेगा साथ। तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग लेके चलेंगे तभी ना, आप तो पहले से प्लान बना लिया था मॉर्निंग में। तो अब हम पूरा जो विंटर वेयर है ना वो एक्सप्लोर करेंगे और तब आप चलना क्योंकि इस बार वाला तो ज्यादा कुछ था नहीं, जितना भी समर कलेक्शन था उसको आउट कर रहे थे बट बहुत अफोर्डेबल था। वो दिख रहा है मुझे जो आपके ये थैले आए थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं ये बेचने आए हैं लेकर आए हैं। ये इतनी सारी चीजें हमने खरीदी है, बहुत सारी चीजें और सबसे प्यारे जो है ये टॉयज है जिनके घर भी छोटे बच्चे हैं वो वहां जाके बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में टॉयज ले सकते हैं। ये देखो क्यूटो को तो गाइज आपने देख ही लिया होगा इन्होंने सरोजनी मार्केट को पूरा खाली कर दिया है और समोसा पार्टी भी हो चुकी है, दिव्या सो चुकी है, किम्मी जा चुकी है, अब डिनर करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है, हमारा भी गला यहाँ तक फिल हो चुका है तो अब हम भी सोने की तैयारी करते हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। जिसने भी हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा बेसिकली इनकी मेहनत है, ये सरोजनी नगर मार्केट गए थे और जितना भी हो सका इन्होंने आपको दिखाया बट नेक्स्ट टाइम इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है जो विंटर कलेक्शन होगा जो फ्रेश अराइवल होगा उसके लिए आपको लेके चलेंगे। तो और ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, नियर बाय क्या है, शॉप नंबर के साथ साथ बहुत कुछ, तो उसके लिए भी आप थोड़ा वेट करो। तो अभी गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर। बट रुकिए, जिसने भी ये वीडियो पूरा नहीं देखा प्लीज़ जाके पूरा देखिए, शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करिए। Do love and spread love. Spread love. Bye.